नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही हलचलें तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सीएम योगी के दौरे पर दौरे भी चल रहे हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामपुर पहुंचे और जनसभा को संबोधित किया। देखिए क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने रामपुर में 147 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है और दबंगों और बदमाशों को जेल भेजा है। वहीं 3,500 करोड़ रुपए के कार्यों का होना बताया। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा के साथ ही कोई खिलवाड़ नहीं, यही सरकार की नीति रही है और उसी नीति के तहत आज एक बार फिर से विकास की परियोजनाओं को देते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आपके रामपुर जनपद में 147 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की हुई है, जिसमें से 640 हेक्टेयर भूमि को और भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त दिलाने में मदद मिली। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,64,500 से अधिक किसान भाइयों को लगभग 391 करोड़ रुपए की राशि अब तक उनके अकाउंट में भेजी गई है। फसल ऋण मोचन में 64,259 किसानों का ऋण माफ किया गया है, जिसमें उन किसान भाइयों के खाते में 366 करोड़ 72 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए। और यही नहीं, रामपुर में यहां का अन्नदाता किसान मेहनती है, यहां के किसानों के लिए चाहे वह धान क्रय केंद्र हो, गेहूं क्रय केंद्र हो या फिर गन्ना मूल्य के भुगतान का हो। और यही नहीं, अभी तो सरकार ने तय किया है रुद्रविलास चीनी मिल के पुनरुद्धार की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के साथ ही